नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पे से 21 अप्रैल गुरुवार राजस्थान की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश विदेश की दो बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन का भारत दौरा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बन सकती है बात। सालाना कारोबार 2.89 लाख करोड़ पहुंचाने का भी लक्ष्य। यूक्रेन युद्ध भी रहेगा मुख्य मुद्दा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुरुवार यानी आज दो दिन की विजिट पर भारत पहुंचेंगे। जॉनसन की यात्रा 21 अप्रैल को गुजरात से शुरू होगी। ये पहला मौका है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गुजरात में ब्रिटिश पीएम जॉइंट ट्रेड की कई महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों की घोषणा करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि जॉनसन की इस विजिट से इस तरफ अहम प्रगति होगी। ब्रिटेन भारत के साथ सालाना कारोबार को 2.89 लाख करोड़ तक ले जाने को भी इच्छुक हैं। वहीं देश विदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर, दिल्ली हिंसा को लेकर है। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा या फिर ब्रेक लगेगा, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट के दो जजों जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई के बेंच तय करेगी कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा या फिर इस पर रोक जारी रहेगी। आपको बता दें कि सुनवाई सुबह 11:30 बजे के बाद शुरू हो सकती है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की टॉप 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज करोड़ों के घाटे के बावजूद नहीं बढ़ाएगी किराया, आराम से बेफिक्र होकर करिए सफर। पेट्रोल डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लाखों लोगों को रोजाना सफर कराने वाली राजस्थान रोडवेज और सरकार फिलहाल इसका भार यात्रियों पर नहीं डालेगी। राजस्थान रोडवेज सालाना करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। दूसरे राज्य अपने यहाँ सार्वजनिक परिवहन के इस घाटे की पूर्ति के लिए टिकटों के दामों में भी भारी इजाफा कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान रोडवेज यात्रियों की सेवा को ही प्राथमिकता दे रही है। रोडवेज सूत्रों के मुताबिक फिलहाल किराया बढ़ोतरी का कोई विचार नहीं है। रोडवेज ने बीते 5 साल से किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में देर शाम बदला मौसम। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के जिलों में आसमान बादलों से घिर चुका है। जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट के मुताबिक बीकानेर, पाली, जालौर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर समेत कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी नहीं बल्कि ढिलाई दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि जयपुर मौसम केंद्र की माने तो शुक्रवार को प्रदेश के कई शहरों में मौसम कुछ इसी तरह रह सकता है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर के अलावा पश्चिमी राजस्थान की पाली, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर बेल्ट में दोपहर बाद आसमान में बादल छाने के साथ ही 40 किलोमीटर स्पीड से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 1 रुपये यूनिट तक महंगी होगी बिजली। राजस्थान में बिजली और कोयला संकट एक बार फिर गहरा चुका है। प्रदेश के अलग अलग बिजली घरों में पावर प्रोडक्शन की 5 यूनिट्स तकनीकी कारणों से बंद बताई जा रही है। कोयले की कमी और केंद्र की गाइडलाइंस के कारण प्रदेश के विदेशों से कोयले की खपत लानी पड़ रही है। महंगा कोयला खरीदने का असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बिजली 1 रुपये प्रति यूनिट तक महंगी हो सकती है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जल जीवन मिशन की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ाई जाए, सीएम गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनहित में जल जीवन मिशन को पूरा करने की समय सीमा 21 मार्च 2026 तक बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2 ट्रक आमने सामने भिड़े, 3 की मौत, 4 गंभीर घायल। अलवर से बड़ी खबर है, अलवर थाना क्षेत्र के मौजपुर गाँव में ठेक ठाड़ा बासपास के बुधवार अल सुबह निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 2 ट्रक हैं वो आमने सामने टकरा गए। हादसे में 1 ट्रक में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ईडी का बुलडोजर चलेगा तो राजस्थान से लेकर 10 जनपद तक कार्यवाही होगी। किरोड़ी लाल मीणा, सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि रीट परीक्षा मामले में मेरी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और अब ईडी बुलडोजर चलेगा तो राजस्थान से लेकर 10 जनपद तक कार्यवाही होगी। मीणा ने कहा है कि उन्होंने ईडी को कई ऐसे दस्तावेज दिए हैं जिसके बाद सरकार के कई लोग शिकंजे में फंसेंगे। रीट पेपर लीक मामले में कई बड़ी मछलियां भी पकड़ी जा सकती हैं।
वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, देसी घी 6.5 रुपए प्रति लीटर महंगा, तेल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता। राजस्थान की मंडियों में बुधवार को जिंसों के भावों में गिरावट देखी गई। वहीं जयपुर मंडी में सरसों सीड में 100 रुपए प्रति क्विंटल की कमी है वो दर्ज की गई है। इससे भाव आपको बता दें कि 7275 रुपए प्रति क्विंटल रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मंडियों में देसी घी 6.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोसार की गुणवत्ता देखेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं वो कोसार की गुणवत्ता कैसी है वो चेक करेंगे। अब देश के कॉलेज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों स्कूलों में कोसार की गुणवत्ता, उपलब्धता और संसाधनों पर भी नजर रखेंगे। इस संबंध में UGC ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत सभी संस्थानों को पत्र भेजा गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जनता को बिसराया मोबाइल कंपनियों के आगे बीसी गहलोत सरकार। प्रदेश में मोबाइल ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से जाल बिछाने के लिए मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ राज्य सरकार भी जुट गई है। सरकार ने इसके लिए अब डिमांड NOC फॉर्मूले की सख्ती से पालना कराने का आदेश जारी किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जनता को असुविधा से बचाने के लिए आदेश जारी किया राज्य सरकार। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि बिजली की उचित और निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए त्योहारों के दिनों में आदेश प्रसारित किए जाते हैं ताकि जनता को न्यूनतम असुविधा हो। इसमें किसी समाज या समुदाय विशेष को लेकर भेदभावपूर्ण नहीं कहा जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार के प्रत्युत्तर देखते हुए यह शिकायत निस्तारित कर दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, PK पर बोले गहलोत, वो एक प्रोफेशनल है, बस नाम बड़ा हो गया है, मैं इतना ही मानता हूँ। कांग्रेस में प्रशांत किशोरी की एंट्री और रणनीति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पहले भी ऐसे एक्सपर्ट से राय ली जाती है, वो देश के अंदर एक ब्रांड बन गए हैं। गहलोत ने कहा है कि हम लोग भी लगातार ऐसी एजेंसियों या एक्सपर्ट से राय लेते रहते हैं। PK का नाम बड़ा हो गया है तो वे चर्चाओं में आ गए हैं, बस इतना ही है, मैं इतना ही मानता हूँ। अगर उसका अनुभव काम आता है तो मान लो विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने में तो अच्छा है, इसकी आज जरूरत है। कई एजेंसियां और भी हैं, उनसे भी संपर्क होते रहते हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की टॉप 10 बड़ी खबरें।